ये धवल जी कहाँ चले गए? धवल जी, धवल जी, ये लीजिए फाल्गुनी जी, आपका पंखा ठीक हो गया। माफ कीजिएगा धवल जी, सुबह सुबह आपको परेशान कर दिया। अरे कैसी बात करें, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच धवल जी, आप मेरी हेल्प के लिए हमेशा ही खड़े रहते हैं। पता नहीं मैं आपके बिना क्या करती। अरे नहीं फाल्गुनी जी, दोस्ती दोस्त के काम आता है, कोई बात। अच्छा धवल जी, अब यहाँ तक आए हैं तो नाश्ता करके जाइएगा। नहीं नहीं फाल्गुनी जी, उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे अभी जाना है। प्लीज मान जाइए ना, नाश्ता करके जाइए। धवल जी को छूने का कोई मौका नहीं छोड़ती। फाल्गुनी जी मैं क्या? धवल जी, धवल जी मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा एक चुड़ैल एक डायन आप पे डोरे डाल रही है। धवल जी चलिए ना। मम्मी घर में से किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। उफ, घर के सब लोग एक तरफ हो गए और मैं अकेली। ये तो होना ही था। अब तने शू लागे छे कि तू बाळक गोद लेवानी वात करशे अने ये मोदी लोको तेरी आरती उतारेंगे। मम्मी आप बिल्कुल सच कह रही है, घर में किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। एम से की बात में दम तो है, ना बच्चा हो सकता है तो। मम्मी ये क्या है? ये एडॉप्शन की बात आपने ही मेरे दिमाग में डाली थी ना। डाली तो थी पर और कुछ नहीं, और वैसे भी मुझे अभी अपना बेबी चाहिए बस। मैं और 9-10 महीने इंतजार नहीं कर सकती। हाँ ये भी ठीक ही है, अगर इन 9 महीनों में इन मोदियों ने अपना सारा खजाना उस गवार और उसकी छोटी गवार पर लुटा दिया तो। मम्मी प्लीज, मैं कोई लालच में आके ये सब नहीं कह रही, मुझे सच में अपना बेबी चाहिए। मैं फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कोई मुझे नहीं समझता और कोई नहीं ये जानता कि मुझे क्या चाहिए। मुझे तो बस शाशी बेन, आप शाशी बेन क्या आप मीरा को कुछ समय खिलाएंगी? वो मुझे रसोड़ में थोड़ा काम है। हाँ हाँ क्यों नहीं। ओ मीरा मासी के पास आई है, इसके मैंने कुछ कपड़े भी रख दिए हैं और जब तक मैं रसोड़े का काम निपटाऊं तब तक आप इसे संभाल लेंगी ना? कोकिला जी। मोटा भाभी मुझे तो डर है कहीं कहीं राशि कुछ कर ना बैठे। मोटा भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सच कहूं तो इस वक्त राशि कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही है, पर हम सब हैं ना, हम सब राशि को संभाल लेंगे। गोपी वो
तुम यहाँ? मीरा कहाँ है? भाजी वो अपने मासी के पास है। सारे राशि को अच्छा लगेगा। वैसे राशि को ये समझना चाहिए कि किसी और के बच्चे को गोद लेने से पहले उसे 100 बार सोचना होगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि किसी और के बच्चे को गोद लेना और उसे पालना पोसना कहीं अधिक ज्यादा जिम्मेदारी का कार्य है, और इसीलिए राशि को सोच समझ कर ये निर्णय लेना होगा। तुम्हारी बात बिल्कुल सच है कोकिला, पर काश राशि ये बात समझ पाती कि हम उसकी इस बात का विरोध क्यों कर रहे हैं। अब मासी मीरा को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएगी और फिर मीरा और सुंदर लगेगी। ये देखो अच्छी है ना, ये देखो। राशि पेन लाइए, मीरा को मुझे दे दीजिए। गोपी क्या कर रही है तू? अरे तुझे सर्दी हुई है ना, देख मीरा को यहीं रहने दे, वरना इसे इन्फेक्शन हो जाएगा इसीलिए। और वैसे भी तू बिल्कुल चिंता मत कर, देख मीरा अपनी मासी के साथ कितनी खुश है ना।